साहिब जी तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तो साहिब गुणे निधाना तुमरी महिमा बर न सको तो ठाकुर ऊच भगवाना सुनी पुकार दतार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया चरण तोय रह रास कर चरणामृत गुर सिखा पिलाया शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने कृपा करके इस संसार दे विच उन्हां नूं भेजिया सुने पुकार दातार प्रभ। इस भारत देश विच रहण वाले लोग जिहड़े तड़फ रहे सन जिन्हां नूं परेशान किया जा रहा सी कदी रब दे नाम ते कदी धर्म दे नाम ते उन्हां दी जिहड़ी पुकार है इस चलदी हुई जिहड़ी पृथ्वी सी जिहड़ी जल रही सी लोग बड़े परेशान सन। जदों गुरु नानक पातशाह महाराज जी का जीवन असीं पढ़ते हाँ तो जिक्र मिलता है विद्वानों वालों कि अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ने आप कृपा करके इस संसार दे विच गुरु नानक साहब जी नूं भेजिया पठाया तो भाव हुंदा भेजना सुनी पुकार दा तार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया जग दे विच भेजिया। सो आओ प्यारिओ उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा जी की कृपा सदका ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕੀਏ। ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ
आप सारिया संगतां ने नाल नाल पढ़ना है ताकि शब्द के विचार वास्ते साडा मन जिहड़ा है वह तैयारी विच आ सके। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे। विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे, पर तक गुरु निस्तारे। सिख धर्म के बाणी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने जो आप उन्होंने जीवन पढ़ते हैं 15 अप्रैल 1469 राय पोएकी तलवंडी जिला जे शेखूपुरा पाकिस्तान दे विच उन्होंने प्रकाश होया। सब तो पहला एक सवाल, अज बच्चे भी जो असी कैंप लाने जाने स्कूलों के पिंड कल दी मैं तुहानू गल दसनी चाहुंदा सी। हुशियारपुर दे विच 105 बच्चों का कैंप ला रहे सी, उत्थे प्लस टू क्लास के बच्चे साढ़े कोल आए, कहिंदे जी प्रकाश पुरब 15 अप्रैल दा है, तुसी मना रहे हो 8 नवंबर नू, इहदे बारे दसो जी। ये सवाल बहुत वड्डा है सिख कौम दे वास्ते। एक जीसस सूली उत्ते चढ़िया 25 दिसंबर नू, उन्हां दी इक्को डेट हुंदी है। अज सिख कौम दे विच नानक शाही कैलेंडर ते बिक्रमी कैलेंडर इहदा बहुत ज़्यादा रौला पै रहा है। पर भागा वाले गुरु के सिखो, गुरु की हजूरी च सच बोलना साडा फर्ज है। आपां सारिआं ने ही अपने जीवन दे विच जदों आपां स्कूलां विच पढ़दे हुंदे सी, मेरे सत्कारयोग बजुर्ग बैठे ने इन्हां नूं ज़्यादा पता है, जदों आपां स्कूलां विच पढ़दे हुंदे सी ते किताबां दे विच आपां आ पढ़िया कि 15 अप्रैल 1469 नूं गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश होया। हुण सवाल यह पैदा हो गया कि नवंबर दे विच कीवें आ गया, यह सवाल है। क्योंकि सिख कौम ने 2 वार गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब भी मनाया है 2019 दे विच, पहला जनवरी च मनाया फिर दिसंबर च भी मनाया, यह सवाल ने प्यारे। इस करके दे बारे मैं बहुत डिटेल नहीं दसनी, क्यों नहीं दसनी, क्योंकि समा सीमित है। कत्तक के वैसाख एक किताब है, उस विद्वान ने बड़ा सोहना जिक्र किया कि गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब वैसाख दे विच कि कत्तक दे विच, ये लैके आप सारे ने जरूर पढ़नी है। जे आप अज गुरु की हजूरी विच आ के इत्थे प्रकाश पुरब मना रहे हैं तो इतों कुछ ना कुछ सीख के जाने का यतन करना है। मैं बेनती कर रहा 1469 ईस्वी के गुरु नानक साहब जी प्रकाशमान होंदे ने। इस भारत देश के अंदर राजनीतिक हालात बहुते वधिया नहीं सी, समाजिक हालात बहुते वधिया नहीं सी, जे आपां धार्मिक हालातों की गल करिए भी कोई बहुते वधिया नहीं सी। गुरु नानक साहब जी के समय 2 डेफिनेशन बहुत गलत बयान हुई, एक रब की ते दूसरी धर्म की। कोई कहिंदा सी रब मक्के विच रहिंदा है, कोई कहिंदा सी रब मंदिर विच रहिंदा है, कोई कहिंदा सी रब किते रहिंदा है। रब नूं इक थां उत्ते स्थापित किया गया, गुरु नानक साहब जी नूं आखना पिया थापिया ना जाए, कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणे निदान। गुरु नानक साहब जी नूं आखना पिया सब मैं जोत, जोत है सोए तिसद चानण, सब मैं चानण होए। गुरु नानक साहब जी नूं आखना पिया घट घट मैं हरजू बसै, संतन कहो पुकार। ये विचारा गुरु नानक साहब जी ने साडी झोली विच पाईआं ने। हुण सवाल पैदा हुंदा है, बहुत सारे धर्मां दे उत्ते PhD की जाती है, गुरु नानक साहब जी के जीवन उपर भी अज पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले दे विच ऐसे मैं वीरां नूं जानदा जिहड़े गुरु नानक साहब जी के जीवन उत्ते PhD कर रहे ने। इहदा मतलब ये है गुरु नानक साहब जी का जीवन इन्ना कमाल दा सी
अज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ते नासा वर्गियां वड्डियां यूनिवर्सिटियां ये गल कह चुकियां ने कि जे सब तो वध पैदल यात्रा लोगों के भले वास्ते किसी ने की है वह सिख धर्म के बाणी धन गुरु नानक साहब ने की है। सिखो माण करिए अपने गुरुआ उत्ते अपने उन्होंने बहादुर योध्या उत्ते ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी उत्ते जिन्हां ने सानू इन्ना कुछ अपने आप नूं शहीद करवा के अपने आप नूं जल्दी पट्टी विच ताप के भी उन्होंने सानू इन्ना ज्ञान का समुंदर दिता है। 9 साल की उम्र है गुरु नानक साहब जी की। पंडित हरदयाल घर विच आया कहिंदा बाबे नानक नूं जनेऊ पाउणा है। हुण तुसीं गुरु नानक साहब जी का जो जीवन पढ़ोगे ना प्यारे हो बाबे नानक का जीवन इन्ना कमाल दा है। गुरु नानक साहब जी नूं जनेऊ पाउण लगे ने तो गुरु नानक साहब जी के पिता जदों क्योंकि इलाके दे पटवारी सन ते आपां सारयां नूं पता है कि पटियाल जिहड़े पटवारी लोग हुंदे ने इन्हां दा पिंडां दे नाल कस्बियां दे नाल शहरां दे नाल बड़ा गहरा संबंध हुंदा है क्योंकि जमीन जायदाद बारे ये ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा जानकारी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। समा अपनी रफ्तार लंघदा है। पंडित हरदयाल आखन लग्या कि आपां गुरु नानक साहब जी नूं जनेऊ पाउणा है। हुण ध्यान नाल सुणियो प्यारिओ गुरु नानक साहब जी दीआं जिहड़ीआं दलीलां ने उह किन्नीआं कमाल दीआं ने। सब तो पहला गुरु नानक साहब जी ने सवाल किया केंद्र ये जनेऊ पाउण का मतलब की है। केंद्र जनेऊ पाउण का मतलब यह है कि हिंदू धर्म को अडोप्ट कर लेना। गुरु नानक साहब जी कहते मैं तो सारे का सांझा ना को हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण आप बाणी विचों पढ़ते हैं। गुरु नानक साहब जी कहते मेरे वास्ते सारे धर्म ही इको वर्गे ने क्योंकि मैं सारे का सांझा रहबर हाँ। ता ही बाबे नानक ने लंगर प्रथा कायम की कि इत्थे जात पात ऊंच नीच भेदभाव को खत्म किया जा सके। इस करके जो समा अपनी रफ्तार लंघदा भागा वाले हुण गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जनेऊ पाउण लगे ने। बाबे नानक ने सवाल किया कहिंदे इह जनेऊ पाउण तो पहला मेरे सवालों का तुहानू जवाब देना पवेगा। उन्होंने आख्या ठीक है जी आपां विचार करते हैं। गुरु नानक साहब जी ने आख्या कि इह जनेऊ कोई औरत पा सकती है कोई भैन मेरी पा सकती है। पंडित हरदयाल जी कहिंदे बिल्कुल नहीं क्योंकि औरत नूं और शूद्र नूं जिहड़ा इह जनेऊ नहीं पाया जा सकता। तुसीं इतिहास पढ़ लेना और जे ज़्यादा जानकारी भागां वाले लैनी है प्रोफेसर साहब सिंह की एक किताब है गुरु नानक साहब जी का जीवन वृतांत वो लैके तुसीं जरूर पढ़ियो तुहानूं पता लगेगा कि बाबे नानक ने किहड़े किहड़े काम कीते ने। हुण दूसरा सवाल की है गुरु नानक साहब जी कहिंदे कि इह जनेऊ पाउण दे नाल मैं धर्मी बन सकता हाँ। वह कहिंदे जी इहदी कोई गरंटी नहीं है। तीजा सवाल कहिंदे कि इस जनेऊ नूं पाउण दे नाल मेरे जीवन च दया आएगी कि मैं चंगा इंसान बन जावांगा कि मेरा करैक्टर किरदार उच्चा बन सकता है। उन्होंने आख्या इस चीज़ की भी कोई गरंटी नहीं है। हुण आपां आसा दी वार पावन बाणी पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने बाणी च आख्या दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਏ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਏ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰ ਦੇਣਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਤ ਗੰਢੀ ਜਤ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੱਤ ਵੱਟ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵੱਟ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਜਨੇਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਦਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ
गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के जीवन के प्रथाए। दूजी गल हुण गुरु नानक पातशाह महाराज जी 1469 प्रकाशमान होंदे ने, उस तो बाद